रीजन करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपसे पूछा था उस दिन जब मैंने सॉरी बताया था जब मैंने पढ़ाया था आपको कि इंडिया किस डायरेक्शन में, डायरेक्शंस बताइए, नॉर्थ एंड ईस्ट। डायरेक्शंस कौन सी है? नॉर्थ एंड ईस्ट। नॉर्थ है ईस्ट। अगर मैं कहूं कि चार डायरेक्शंस के अलावा चार डायरेक्शंस और होती है ऊपर क्या हो गया? नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड ईस्ट। तो इंडिया यहां पे क्यों, इंडिया यहां पे है क्योंकि मैंने कहा था जो 0 डिग्री है उससे ऊपर है ट्रॉपिक ऑफ जिससे हम 5:30 यानी 5:30 हम आगे है उस टाइमलाइन से। तो ये जो टाइमलाइन है ये कहां से गुजरती है? देखो ये एक लॉन्गिट्यूड लाइन है। टाइमलाइन क्या है? लॉन्गिट्यूड है। और जो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये लैटिट्यूड है, लैटिट्यूड लाइन है, ठीक। लॉन्गिट्यूड लाइन कौन सी? जो टाइमलाइन इंडिया की, ये आपके इलाहाबाद पर मिर्जापुर जो है ना, यूपी में इलाहाबाद पर मिर्जापुर, वहां से ये जाती है। ये 5 स्टेट को कट करती है। कितने स्टेट को? 5 स्टेट को। और ये 8 स्टेट को कट करती है। एक सबसे बेसिक चीज मैं बताऊं आपको कि ऐसी कोई लाइन होती नहीं है, ये दोनों इमेजिनरी लाइन है। जैसे मैंने कहा था कि लॉन्गिट्यूड आपकी कितनी है? 360। लैटिट्यूड आपकी कितनी है? 180। लेकिन ये दोनों ही लाइंस इमेजिनरी है, ऐसी कोई लाइंस है नहीं। ये लाइंस सिर्फ ग्लोब पे खींची गई है हमारी आसानी के लिए, ताकि हम पता कर सके कि किस कंट्री की लोकेशन क्या है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि ग्रीनविच टाइम से कितना है, 5:30 आ गया। इंडिया की टोटल नेबर कंट्रीज कितनी है? 7 नेबर कंट्रीज हैं। बच्चों को कंफ्यूजन होती है अफगानिस्तान को लेके, तो अफगानिस्तान का मैटर मैं क्लियर कर दूं आपको कि अफगानिस्तान जब 1947 में पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान का नेबर हो गया अफगानिस्तान। अफगानिस्तान हमारा नेबर पहले था 1947 के बाद। लेकिन आज भी अफगानिस्तान, देखो जो पीओके है, पीओके यानी पाकिस्तान और कश्मीर, जो कश्मीर का एरिया पाकिस्तान के पास है वो बॉर्डर लगता है अफगानिस्तान से, ठीक है। इंडिया का अगर मैं बात करूं वाटर बॉर्डर जो लगता है श्रीलंका के पास, सबसे पास का किससे? इंडोनेशिया। वेरी गुड। श्रीलंका के बाद इंडोनेशिया का। अच्छा एक चीज और मुझे बताइए आप कि जो मैंने आपसे कहा था तीन ऐसी नेबर कंट्री है जिनका वाटर बॉर्डर और लैंड बॉर्डर ये दोनों ही मिलता है, जैसे पाकिस्तान बांग्लादेश, श्रीलंका का मिलता है बेटा, म्यांमार, चाइना का तो कोई सवाल नहीं है, ऊपर जो चाइना है हमारा, चाइना कोई सवाल नहीं। तो हमारा जो तीन नेबर कंट्री है इंडिया की जिनका लैंड और वाटर बॉर्डर दोनों मिलता है, उसमें एक का नाम है पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार, ठीक है। तो तीन ऐसी कंट्री जो नेबर है और उसका लैंड बॉर्डर और वाटर बॉर्डर दोनों मिलता है। मैंने आपको बताया था पाकिस्तान और इंडिया के बीच की जो लाइन है बॉर्डर लाइन, उसे रेडक्लिफ लाइन कहते हैं, जो 1947 में ड्रॉ की गई थी जब इंडिया और पाकिस्तान का अलग हुआ था, इंडिया और पाकिस्तान बंटवारा हुआ था। किसने क्लिक की थी? सर जॉन रेडक्लिफ ने क्लिक की थी, खींची थी। खींचने का मतलब ये नहीं कि बैठ के उन्होंने पूरे बॉर्डर खींची होगी, उन्होंने ड्रॉ की थी ना, कागज पे ड्रॉ की। तो वो सर जॉन रेडक्लिफ थे जिन्होंने लाइन को ड्रॉ की थी, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? रेडक्लिफ लाइन पड़ा। मैंने कहा था 1914 में इंडिया और चाइना के बीच की लाइन ड्रॉ हुई थी। इंडिया और चाइना के बीच का बॉर्डर क्या कहलाता है? मैकमैन। भैया बादाम खाओ थोड़ा, क्या कह सकते हैं, बादाम प्रैक्टिस तो हो नहीं रही तुम लोगों से, बोर्ड है सर पे, प्रैक्टिस का तो कोई सवाल ही नहीं है। तो बादाम खाओ और बादाम खाओ, दिमाग थोड़ा तेज करो या प्रैक्टिस करो। मैकमोहन कई बार बताया है, मैकमोहन 1914 में कब क्लिक हुई है? 1914 में जो लाइन क्लिक हुई है उसका नाम है मैकमोहन लाइन। ये इंडिया और चाइना के बीच की है। इंडिया और अफगानिस्तान के बीच की कौन सी लाइन है? डुरंड लाइन, जो सर डुरंड ने क्लिक की थी, खींची थी। कब क्लिक हुई है? 1896। अरे मेरी बोलियों 1896 कब क्लिक हुई है? 1896।
1896 में जो लाइन क्लिक हुई है, अभी इंस्टाग्राम की कोई रील वगैरह फटाफट याद हो जाती है, और जो पढ़ाया जा रहा है, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो जिंदगी के लिए इंपॉर्टेंट है, वो याद नहीं हो रहा। मैंने कहा 1914 में जो लाइन क्लिक हुई है इंडिया और चाइना के बीच, उस लाइन का नाम है मैकमोहन लाइन। जो इंडिया और चाइना के बीच का बॉर्डर है उसे मैकमोहन लाइन बोलते हैं। ये 1914 में क्लिक हुई है। अगर मैं बात करती हूँ इंडिया और पाकिस्तान के बीच की जो बॉर्डर लाइन है उसे हम बोलते हैं रेडक्लिफ लाइन। ये लाइन कब क्लिक हुई है? 1947 में। इसे सर जॉन रेडक्लिफ ने क्लिक किया। अगर मैं आपसे कहती हूँ कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच, इंडिया और अफगानिस्तान के बीच की लाइन क्या है? डूरंड लाइन। ये 1896। देखो यहाँ पे ध्यान से कि उस टाइम पे पाकिस्तान नहीं था। 1947 में पाकिस्तान बनाया ना, तो 1896 में इंडिया का नेबर था अफगानिस्तान। इंडिया का नेबर क्या था? अफगानिस्तान। ये तो 1947 में पाकिस्तान आया। ठीक, तो यहाँ तक समझ में आ गया। वैसे तो काफी कुछ मैंने बताया था, जितना सब कुछ मैंने आज कवर नहीं कर पाऊंगी क्योंकि वो कंप्लीट लेक्चर था। एक चीज और मैं पूछ लेती हूँ, इंडिया का जो एरिया है वो कितना था? इंडिया का जो एरिया था वो कितना था? 32,87,263 किलोमीटर। किलोमीटर था 32,87,263 किलोमीटर में है ये एरिया जो है हमारा। इंडिया किस नंबर पे आता है? 7 नंबर। फर्स्ट नंबर में रशिया। फर्स्ट नंबर में क्या आता है? रशिया आता है। समझ में आया ना? फर्स्ट नंबर पे रशिया, इंडिया आता है 7 नंबर पे। अब बात करते हैं 32,87,263 किलोमीटर एरिया हमारा इंडिया का है, और हम देख सकते हैं कि हमारे 3 ऐसी कंट्री जिनसे लैंड और बॉर्डर दोनों ही बॉर्डर मिल रहे हैं वो है पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार। मैं अगर पूछती हूँ कि वाटर बॉर्डर श्रीलंका के अलावा और सेकंड नंबर पे जिसे पास में बहुत मिलता है वो इंडोनेशिया। हमारी जो डायरेक्शन है इंडिया कहाँ पे मौजूद है, कहाँ पे लोकेशन है, तो वो नॉर्थ एंड ईस्ट में है। समझ में आया ना? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो लाइन है वो 8 स्टेट को कट करती है। चाइल्ड लाइन जो ग्रीनविच की है वो 5 स्टेट को कट करती है। जो कहाँ से जाती है? इलाहाबाद के बेंगलुरु से जाती है। ये लाइन जो है वो लॉन्गिट्यूड है, ये लाइन लैटिट्यूड है, लेकिन ये दोनों ही लाइन इमेजिनरी है, ऐसी कोई लाइन होती नहीं है। समझ में आ गया ना? चलिए अब हम पढ़ेंगे स्वेज की थ्योरी। किसकी थ्योरी? स्वेज। चलिए देखिए, मैं क्लियर कर दूं। स्वेज जो है एक साइंटिस्ट है, कहाँ के? जहाँ का हिटलर है? जर्मनी। अभी हिटलर भी पढ़ाना है तुम लोग को हिस्ट्री का, कितनी लेयर्स होती है। तो यहाँ पे स्वेज की थ्योरी पढ़ रहे हैं। किसकी थ्योरी पढ़ रहे हैं? स्वेज की थ्योरी पढ़ रहे हैं। स्वेज ने कहा 3 लेयर्स होती है। एग्जैक्टली तो हमें पता है 5 होती है, हमने ज्योग्राफी में जो पढ़ी है, लेकिन यहाँ पे स्वेज की हाइपोथेसिस पढ़ रहे हैं। तो स्वेज ने कहा कितनी लेयर्स होती है? 3 लेयर्स होती है। ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग 5, लेकिन स्वेज की हाइपोथेसिस बताती है 3 लेयर्स। स्वेज की हाइपोथेसिस बहुत सही मानी जाती है क्योंकि उसमें ग्रेविटी का भी कॉन्सेप्ट है, ग्रेविटी का भी कॉन्सेप्ट माना जाता है। तो स्वेज की थ्योरी कहती है कि 3 लेयर्स होती है। तो फर्स्ट लेयर वो कहते हैं, जैसे मैंने कहा ये मेरी अर्थ है, ठीक है, अच्छा से बनाते हैं इसको। ऊपर होती है क्रस्ट जिस पे हम खड़े हैं, ठीक है, इसे उन्होंने लेयर नहीं माना, इसे लेयर नहीं माना, इसे वो क्या कहते हैं? क्रस्ट। डायग्राम को ड्रॉ करिए, पूरा भर देते हैं, अच्छा लग रहा है। ये क्रस्ट हो गया। क्रस्ट के बाद आती है सियाल, इसे दूसरे सिंबल से डेफिनेट करते हैं। बाद आती है आपकी
कितने सिंबल्स यहाँ पे यूज किया? थ्री सिंबल्स यूज किए. अरे वेरी थ्री भैया, अरे बालक बालिकाओं, ये सिंबल एक यूज किया मैंने, एक मैंने ये सिंबल यूज किया, एक मैंने ये सिंबल यूज किया. ठीक, इसे हम कहते हैं सियार. समझ में आया?
एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर? ये आपको बनाना है, समझ में आया? यहाँ पे ये थीसिस आपकी खत्म हो गई। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जो इसके बाद वाला, जिसमें हम माउंटेन पढ़ेंगे।